सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। रहे हैं सिटी न्यूज। सिटी न्यूज में तमाम दर्शकों का स्वागत है। अभी हम पहुंचे हैं तरहसी प्रखंड के पाठक पगार पंचायत में। यहाँ जुझारू कर्मठशील मतलब भविष्य में सभी लोगों को देखने वाले भावी प्रत्याशी मुखिया प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं यहाँ से तलत अजीजा। आइए, तलत अजीजा का नाम सुनते ही लोगों को काफ़ी खुशी मिल रही है क्षेत्र में। आइए इनसे हम बातें करते हैं, किस मुद्दा पर ये चुनाव लड़ रही हैं, आखिर क्या मुद्दा है इनका और विकास क्षेत्र में हुआ है या नहीं हुआ है पिछले 5 सालों में। तो आइए इनसे बातें करते हैं। सबसे पहले तो सिटी न्यूज में आपका स्वागत है जी। आप बताएं कि किस मुद्दा को लेकर आप तो इस चुनाव में खड़े हुए हैं, क्या यहाँ जो मतलब रहेगी? पिछले साल मतलब पिछले जो मुखिया उठे थे वो अपना अब तक विकास को उतना अच्छा से नहीं किए हैं। हमको उठना है तो मतलब हम जो जीत जाएंगे तो पूरा विकास करना है, अपना सड़क पानी जो भी हो पूरा करना है, उससे पूरा करना है जी। आखिर आप सोच रहे हैं, आखिर आप मुखिया के चुनाव लड़ रही हैं तो क्या मतलब, आखिर जनता क्यों वोट करेगी आपको? उन लोगों से कि मतलब जीत जाएंगे तो पूरा करेंगे काम, इसलिए सब लोग सहयोग दे रहे हैं। चलिए, जीत जाएंगे तो पूरा करेंगे, यानी तलत अजीजा का एक ही शब्द में अपने वाणी से कहती हैं कि अगर जीतने के बाद जनता हमें मौका देती है तो जरूर संपूर्ण विकास इस पंचायत में कर दिखाएंगे। आइए इन्हीं का जो है सो कि हम बातें करते हैं, इन्हीं का परिवार सदस्य एक हैं जो यहाँ से मोबिन अंसारी, आखिर इन्हीं का मेन चेहरा है। आइए इनसे मिलते हैं, क्या बताते हैं विकास के मामले में, किस मुद्दा को लेकर। सबसे पहले तो सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज पाठक पगार पंचायत जो 5 साल के बाद होने जा रहा है, इसमें जो न्यू वर्तमान मुखिया हैं आज तक पाठक पगार के किसी भी गली में अपने से घूमे नहीं हैं। आज जब चुनाव होना तय पाया, डेट रखा गया, तब उनका गाड़ी अपने हर लोगों से मिलने जा रहे हैं। इसके पहले 5 साल आज तक किसी गली गुचा में घूमे नहीं हैं। या और जो पाठक पगार के प्रत्याशी हैं, 5 साल तक ये पता नहीं चला कि क्या चुनाव मैदान में भी आवेंगे, न उनको ब्लॉक में देखा गया, न पंचायत में देखा गया और न समाज में देखा गया और न किसी प्रकार का सुख दुख में शामिल होते देखा गया। आज जब चुनाव आया है तो लोग को तरह तरह के लुभावना दे करके उसे अपने कि कौन आदमी हम लोगों के साथ रहेगा, था पहले और नहीं भी, अगर चुनाव जीतता है तो भी मैं वादा करता हूँ कि जनता के साथ ही रहूँगा। और मैं जो उपलब्धियाँ बता रहा हूँ कि लगभग मैं मुखिया बनने से पहले 300 के लगभग मैंने वृद्धा पेंशन करवाया, जो लगभग निःशुल्क खर्चा से करवाया, किसी को फ्री करवाया, किसी को 500 रुपया ले करवाया, जो जिनमिन खर्च हुआ बोलों का वही मैंने लिया और लगभग लोगों का पैसा पेमेंट हो रहा है। तो इसे मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि जरूर जनता मेरे पीछे रहेगा। और करें हम विकास के मामला को मुद्दा, और जहाँ तक विकास की बात हो तो आज पाठक पार पंचायत में जो न्यू वर्तमान मुखिया है, जो कुछ अपने इलाका में ही कुछ उसको विकास देखा जाता है, लेकिन जो इधर जो बाकी इलाका है, जैसे मंडलवा हुआ, पचरखिया हुआ, बिलाई हुआ, पाठक पार में हुआ, वो धरातल पर किसी प्रकार का विकास दिखाई नहीं देता है। और मैं वादा करता हूँ कि मैं जब मुखिया बन जाऊँगा तो पंचायत में जनता के समक्ष हर दुख सुख में शामिल रहूँगा, रात के भी अगर ज़रूरत पड़ेगा तो मैं उसके दुख में शामिल रहूँगा, मेरा ये वादा रहा। धन्यवाद। रात में भी ये जनता के लिए हर दुख सुख में शामिल होकर जनता को आखिर दिखाना चाहते हैं, विश्वास देना चाहते हैं कि हम हर एक वादों पर खरा उतरने का काम करूँगा। तो चाची, हम आपसे सबसे पहले मेरे नीज में स्वागत है, आप बताइए कि कैसा प्रत्याशी हैं, क्या सोचकर इनको आप लोग चुनाव में खड़े किए? बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं, इसीलिए तो हम लोग इनको चुने हैं, अब इनको हम वोट देंगे।
लोग के सब ठीक है। और आगे जाके देखिए रोड में धूल उड़ रहा है, और फिर आगे भी जाकर देखिए पानी बिना हम लोग छछन रहे हैं। आखिर बातें करें हम निवर्तमान मुखिया जी के, वो क्या विकास किए हैं इन पाँच सालों? कुछ विकास नहीं किए हैं, आज तक मुंह नहीं दिखाए हैं, आज मुंह देखे हैं उन लोग के। हम कभी नहीं आते, कभी नहीं इस एरिया में नहीं आते, कहीं भी कभी नहीं आए हैं। कल देखे हैं उनको पहली बार कल देखे हैं। क्या आपको लगता है कि चुनाव के समय ही वोट मांगने यहाँ पे आते हैं इस पंचायत में? वोट मांगने आए हैं अभी, और फिर पाँच साल पहले कभी नहीं देखे हैं उनको। तो ये हाल है दर्शकों यहाँ के निवर्तमान मुखिया का। ये तो पंचायत से गायब रहते हैं, यहाँ के लोग कह रहे हैं। दर्शकों मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ के लोग कह रहे हैं। आइए यहाँ कुछ लोगों से और बातें करना चाह रहे हैं। थोड़ा सा चाची आप बताइए, थोड़ा सा मुखिया जी आते हैं इस पंचायत में? नहीं, वर्तमान मुखिया जी जो नहीं नहीं आते हैं। क्या नाम है उनका? मंटू सिंह। नहीं आते हैं? नहीं। विकास किए हैं या नहीं किए हैं? कुछ नहीं किए हैं। धन्यवाद दर्शकों। तो ये आप देख सकते। आखिर अब गार्जियन से हम पूछते हैं क्या हाल है इस पंचायत का? ये पंचायत का हाल ये है कि बहुत बुरा नतीजा है, समय पर कुछ काम नहीं हो पाता है, और समय पर आता नहीं कुछ काम होता है तो, और विकास के काम कुछ हो नहीं रहा है समय, और राशन भी समय पर नहीं बांट पाता है लोग। नहीं तो ये बातें करें, आखिर हम चुनाव संबंधी बातें करना चाह रहे हैं। मुखिया जी का क्या हाल है निवर्तमान मुखिया जी का, क्या स्थिति? मुखिया जी का हाल तो भी बुरा नतीजा है ना, उनको जो हम लोग उठाए हैं, ये इनको बुरा समंथर से उठाए हैं। ये कौन सा पंचायत है? पाठक पगार पंचायत ये है। निवर्तमान मुखिया का क्या नाम था? मंटू सिंह था। मंटू सिंह जी, तो विकास नहीं किया? नहीं कर पाए विकास सही से, अपना गांव में ज्यादा किए, इधर गांव में और कहीं कुछ भी नहीं। आप निवर्तमान मुखिया जी के लिए क्या कहना चाहते हैं? मुखिया जी है से गांव घर में नहीं घूमते हैं और नहीं आते हैं, और हमको ऐसे राशन कार्ड जो है नहीं बना है आज तक, और ना बनेगा। और बीसीसी सड़क वगैरह यहाँ बना है कि नहीं? विकास हुआ है या विकास कुछ नहीं हुआ है? विकास यही हुआ कि रोड है से मोरम का जो बना है। वर्तमान मुखिया जी के पति उदासीनता है यहाँ देखा जा रहा है, और इसी कड़ी को लेकर आज तलत अजीजा यहाँ से मुखिया पंचायत चुनाव में खड़े हुए हैं, और भावी प्रत्याशी के रूप में ये गिनने जा रहे हैं। काफ़ी जन समर्थन मिल रही है, और यहाँ तक कि बताया जा रहा है कि ये प्रत्याशी काफ़ी शिक्षित भी हैं, तो इसलिए दर्शकों एक एक वोट कीमती है, इसलिए 24 मई को सोच समझकर वोट करें। सिटी न्यूज़ के लिए सुधाकर पांडे, तरहसी।